दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? आप कहेंगे कि हम दवाई लेते हैं। दोस्तों उससे क्या होता है, हम ठीक हो जाते हैं। आप क्या कीजिए, मेरे कहने पर बीमार होने पर एक बार दवाई मत लेना, फिर देखिएगा आपके साथ क्या होगा। फिर भी तो आप ठीक हो ही जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही बीमारियों को ठीक करती है। आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठा है जो अपने आप से आपको दवाइयां देता है और आपको ठीक कर देता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो आपको आजकल के इस वायरस से भी बचाएगी, कैंसर जैसी बीमारी को भी खत्म कर सकती है। लेकिन हम लोग अपनी उस अंदर के इस डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं करते और बाहर के डॉक्टर के पास हम भागते फिरते रहते हैं। छोटी सी सुई चुभती है कि डॉक्टर के पास, हल्का सा बुखार आ गया कि डॉक्टर के पास, हल्का सा जुकाम आ गया, छींक आ गई और डॉक्टर के पास। दोस्तों पुराने जमाने में लोग घरों में ही बच्चे पैदा कर लेते थे, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन होता है। तो आप ही मुझे बताइए आजकल के ये हॉस्पिटल्स किस काम के? पुराने जमाने में घर में बच्चे होते थे, कभी किसी का सिजेरियन ऑपरेशन होता ही नहीं था, लेकिन आजकल कभी किसी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। एक तो हमारे खुद के अंदर इन्फॉर्मेशन की कमी है और दूसरा बाहर से हमें मिसगाइड किया जाता है। अगर आपको खुद ये पता चल जाए कि आपको बीमारियों का इलाज करना कैसे है, तो आपको कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी बॉडी के अंदर वैसे भी इतनी ताकत है कि वो कैंसर को भी ठीक कर सकती है, लेकिन हम लोग अपने उस अंदर की जो ताकत है, इम्यूनिटी है, उसको कभी जगाते नहीं है, उसको कभी ताकत नहीं देती। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब आप दवाई लेते हैं तो इससे इम्यूनिटी घटती है, बढ़ने की जगह पर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता जाएगा, उसी तरह से अगर हम इम्यूनिटी को खुद से काम नहीं करने देंगे, कहने का मतलब है जबकि बुखार आया तो बुखार के समय पर जब इम्यूनिटी को हम काम ही नहीं करने देंगे, दवाई लेते रहेंगे, तो वो इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कमजोर होती रहती है। इसके लिए आपको करना क्या है, बीमार होने पर दवाई ना लें, आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अच्छा आप एक चीज बताइए, जब आपको बुखार होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि हो मुझे तो 102 बुखार हो गया, 103 बुखार हो गया, और आप दवाई लेकर उस बुखार को नीचे उतार देते हैं। आपको ये पता है कि बुखार आपको हुआ क्यों था? दोस्तों आपने आज भी सुना होगा कि ये जो आजकल कोरोना वायरस फैला है, ये गर्मी में नहीं रह सकता। दोस्तों कोरोना वायरस छोड़िए, कोई भी वायरस हो गर्मी में नहीं रह सकता। इसीलिए दोस्तों हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस नहीं रह सकता और वायरस मर जाता है। लेकिन हम लोग उस वायरस को मारने के लिए जो बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया था, उसको हम दवाइयां लेकर कम कर देते हैं। इसी कारण से दोस्तों हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे खराब होती जाती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। इसीलिए हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, हमें उसको बढ़ाकर रखना है। अब बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप कहेंगे क्या करें, हमारे घर की किचन में दोस्तों लहसुन है। लहसुन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप सही ढंग से लेते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले लहसुन की एक कली को चबाकर खाना है, बस इतना ही आपको हर रोज करना है। रात को एक लहसुन खाने से ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कभी कोई दवाई लेनी ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लहसुन को कच्चा खाते हैं तो आपको बहुत फायदे होंगे। लहसुन छोड़िए दोस्तों, टमाटर, कोकोनट यानी कि नारियल, इन चीजों को भी कच्चा खाना होता है, लेकिन हम लोग टमाटर को हमेशा तड़का लगाकर खाते हैं। टमाटर तो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको तड़का लगाने से उसके 100% पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोग हर चीज को गर्म करके खाते हैं। आजकल तो रेस्टोरेंट में आपको फल भी गर्म करके दिए जाते हैं, पता नहीं किस तरह से रेसिपीज बनाई जाती हैं, सिर्फ टेस्ट के पीछे लोग भाग रहे हैं। इस टेस्ट के पीछे भागते भागते हम अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लहसुन एंटी बैक्टीरियल होता है, यह हमें बैक्टीरिया से बचाता है। लहसुन एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यह हमें कैंसर से बचाता है। लहसुन एंटी वायरल होता है, जो हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। लहसुन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जो हमें सूजन से बचाता है। तो कहने का मतलब है लहसुन हमारी बॉडी की तकरीबन 50 बीमारियों को जड़ से ठीक करता है। लहसुन वात दोष का नाशक है। क्या आपको पता है वात दोष क्या है? वात का मतलब है गैस। बॉडी में दोस्तों जब भी ज्यादा गैस बनती है उसे हम वात दोष कहते हैं। वात दोष होने से ये गैस जब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है तो पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। आपकी बाजू में दर्द हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपकी पीठ में दर्द, कहीं भी अगर बॉडी में दर्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेन किलर लेनी है। इसका मतलब है कि आपको अपने वात दोष को बैलेंस करना है। वात दोष को बैलेंस करने के लिए रात को सोने से पहले एक लहसुन की कली खाइए, आपके सारे जो रोग हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको लहसुन कितना खाना है, कैसे खाना है। दोस्तों आपको गर्मियों में एक लहसुन और सर्दियों में दो लहसुन की कली को रात को सोने से पहले खाना है। आपको क्या करना है, लहसुन की एक कली खाने के बाद ऊपर से एक गिलास गुनगुने पानी का पीना है, या फिर आप लहसुन की एक कली और उसके साथ एक चम्मच शहद का ले सकते हैं।
इस तरह से दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपकी जो बीमारियां दूर होंगी, चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि खून को ये पतला करता है, क्योंकि इसके अंदर डायलाइल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यानी कि अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको लहसुन खाना चाहिए। अगर किसी को भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो आप उन्हें कहिए कि रात को एटलीस्ट एक लहसुन की कली जरूर खाएं। दोस्तों इससे आपका खून पतला होगा क्योंकि इसके अंदर डायलाइल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि हमारे खून को पतला करता है और हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से हमें बचाकर रखता है। इसके अलावा दोस्तों बॉडी की इम्यूनिटी को लहसुन बढ़ा देता है। अगर आप रात को लहसुन खाकर सोते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, 2 गुना से 3 गुना आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हो जाती है, जिससे कि आप बीमारियों से अपने आप लड़ पाते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत कभी है ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, भयंकर अर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो आप लहसुन खाइए। लहसुन की एक कली हर रोज रात को खाने से आपका भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अर्थराइटिस के पीछे का जो कारण है वो है हमारी बॉडी में एसिड्स की मात्रा का बढ़ना। जब हमारी बॉडी में एसिड्स बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये खून के जरिए हमारे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा यूरिक एसिड जम जाता है तो इससे हमारे जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है, क्योंकि जोड़ों में दोस्तों फ्रिक्शन होती है, जिससे कि हमारे जोड़ घिसने लगते हैं और सूजन भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप लहसुन को रात को खाते हैं तो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड का लेवल कम होगा और भयंकर अर्थराइटिस से आप बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लहसुन कफ नाशक है। कफ का मतलब है सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, सारी प्रॉब्लम्स को ये लहसुन ठीक करता है। अगर आप लहसुन को रात को सोने से पहले खाते हैं तो आपकी सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, सर्दी, खांसी, जुकाम सब ठीक हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 5-10 साल से कफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, 1-2 दिनों बाद ही उन्हें फिर से कफ हो जाता है। प्लीज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो लहसुन का रात को हर रोज सेवन करके देखे, 1-2 महीने के अंदर आपकी कफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो उसके लिए भी लहसुन आपकी बहुत मदद कर सकता है। डाइजेशन खराब कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन ही खराब है तो आपकी बॉडी में बहुत रोग आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज हम खाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे पचाता है। अब अगर हमारा ये सिस्टम ही खराब होगा तो खाया हुआ खाना पचेगा नहीं, और उसके अलावा ये खाया हुआ खाना हमारी बॉडी को नहीं लगेगा, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगेगी और देखते ही देखते आपकी बॉडी आलस से भर जाएगी और आपको कई रोग हो जाएंगे। तो प्लीज आप लहसुन को जरूर खाएं, ये हमारी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में भी मदद करता है, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली। अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लहसुन का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर जरूर लगाएं, इससे आपको दाद, खाज, खुजली में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कैंसर की बीमारी को भी ये लहसुन ठीक करता है, क्योंकि दोस्तों लहसुन जो है वो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है और जो नए कैंसर के सेल्स बनते हैं उनको बनने से रोकता है। दोस्तों कैंसर के सेल्स हर एक की बॉडी में होते हैं, लेकिन इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट चीजें खानी है जो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकें। दोस्तों कैंसर ऐसी बीमारी है जो आपकी शारीरिक सेहत के साथ साथ आपके पैसे को भी खराब कर देती है। दोस्तों कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका कोई व्यक्ति नाम ही नहीं लेना चाहता। कुछ लोग इसे दूसरी बीमारी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि लोग अपनी जुबान पर भी इस बीमारी का नाम नहीं लेकर आना चाहते, क्योंकि ये बीमारी है ही इतनी खतरनाक। इस बीमारी से बचकर रहना जरूरी है, बीमारी हो जाए तो फिर इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसके लिए दोस्तों आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जैसे कि लहसुन। लहसुन को कच्चा जरूर खाएं, ये हमें कैंसर से बचाकर रखता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो लहसुन का सेवन करें। रात को एक लहसुन खाने से आपको बहुत गहरी नींद आएगी, और अच्छी नींद आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो इससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिवेटेड रहेगी और आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है वो भी खत्म होगा। अच्छी नींद लेने से हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए, इससे दिमाग की पावर भी बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो लहसुन बहुत अच्छा है। आजकल सब जगह पर इनफर्टिलिटी की दवाई दी जाती है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि वो दवाइयां खाने से आपकी इनफर्टिलिटी तो ठीक हो जाती है, लेकिन कई और रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ लहसुन खाते हैं तो ये आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करेगा और आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ एक लहसुन के जरिए आप कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज के मेडिकल साइंस में कोई एक दवाई ऐसी है जो 100 बीमारियां ठीक कर दे, या कोई एक दवाई जो 10 बीमारियां ठीक कर दे? है ही नहीं। आजकल तो एक बीमारी को ठीक करने के लिए 10-10 दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद इसमें एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से 100 बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे कि लहसुन, जिससे कि आप कैंसर ठीक कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी ठीक कर सकते हैं, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, इनडाइजेशन, कफ, बहुत सी बीमारियां जो ठीक हो सकती हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेदिक तरीके से ही आप अपनी बीमारियों का इलाज किया करें, क्योंकि आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज है वो सस्ते में होता है, बिना साइड इफेक्ट के, और आपके घर में ही हो जाता है।
बस आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरह से बीमारियों का इलाज करें। हर बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि छोटा सा टेम्परेचर बढ़ गया तो डॉक्टर के पास भाग लिए। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी ने जानबूझ के बढ़ाया ताकि वो वायरस को खत्म कर सके। लेकिन हम लोग इस चीज को समझते नहीं है और हमें लगता है कि शायद बुखार आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मुझे बताइए, क्या बुखार सिर्फ इंसान को आता है? दुनिया में और भी तो जीव है जिनको बुखार आता होगा, तो क्या वो डॉक्टर के पास जाते हैं? बिल्कुल नहीं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है क्योंकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सारी बीमारियों को अपने आप ठीक करती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है और किस तरह से लहसुन के जरिए ढेरों बीमारियों को ठीक किया जा सकता है।